नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपको रिमेनिंग क्वेश्चंस करा रही हूँ। एन इलेक्ट्रोडायनामोमीटर इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज्ड एज, मैंने आपको होमवर्क दिया था। द आंसर विल बी 1, 2 एंड 3, ऑल आर करेक्ट। ये वॉट मीटर एंड वैर मीटर की तरह भी यूज होता है, ये पावर फैक्टर मीटर और फ्रिक्वेंसी मीटर की तरह भी यूज होता है, और ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट की तरह भी यूज होता है। ठीक है, ठीक है, ये एक ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट है, याद रखना। इलेक्ट्रोडायनामोमीटर एक ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट है। इट इज यूज इन द स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस ऑफ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर में यूज होता है ये, ठीक है। एंड इसमें आप देखिए, अ ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट इज वन दैट इज कैलिब्रेटेड विद अ डीसी सोर्स। ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, जो कि जिसमें डीसी सोर्स का कैलिब्रेशन होता है, एंड यूज विदाउट एनी मॉडिफिकेशंस फॉर एसी मेजरमेंट्स। एंड इसको हम एसी मेजरमेंट्स के लिए यूज करते हैं, ठीक है। इट हैज द सेम एक्यूरेसी फॉर बोथ डीसी एंड एसी मेजरमेंट, सेम एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है। एंड हेंस एन इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड एज बोथ, ये एक स्टैंडर्ड और ट्रांसफर दोनों इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज होता है। टीएक्स को मैं ट्रांसफर लिख रही हूँ, मतलब ट्रांसफर, चलिए मैं टीआर कर देती हूँ, ठीक है। दिस इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज्ड एज, ये इंस्ट्रूमेंट किन किन चीजों के लिए यूज होता है, एमीटर, वोल्ट मीटर, वॉट मीटर, रिएक्टिव पावर मीटर, वैर मतलब रिएक्टिव पावर मीटर की तरह भी यूज होता है, पावर फैक्टर मीटर की तरह भी यूज होता है, एंड फ्रीक्वेंसी मीटर की तरह भी यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेंज ऑफ ए डीसी मिलीएमीटर कैन बी एक्सटेंडेड बाय यूजिंग अ लो रेजिस्टेंस इन सीरीज, लो रेजिस्टेंस इन शंट, हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज, हाई रेजिस्टेंस इन शंट। देखिए, द रेंज ऑफ ए डीसी मिलीएमीटर, मिलीएमीटर क्या करेगा, करंट मेजर करता है ना, ऑफ द ऑर्डर ऑफ मिलीएम्पियर्स। तो हम इसकी रेंज को कैसे बढ़ा सकते हैं, इसकी रेंज को बढ़ा सकते हैं बाय यूजिंग लो रेजिस्टेंस इन शंट। कैसे, शंट्स जो होते हैं दे आर यूज्ड फॉर द एक्सटेंशन, रेंज एक्सटेंशन ऑफ एमीटर्स। जनरली शंट्स कहां यूज होते हैं, फॉर रेंज एक्सटेंशंस, रेंज एक्सटेंशंस ऑफ एमीटर्स, इनकी रेंज को बढ़ाने के काम आते हैं। अ शंट इज अ लो वैल्यू रेजिस्टेंस, ये जो शंट होता है ये एक लो वैल्यू का रेजिस्टेंस होता है, जिसका कि मिनिमम टेम्परेचर कोफिशियंट होता है, ओके। एंड इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द एमीटर, ये एक एमीटर के साथ पैरेलल में कनेक्ट होता है, ओके। पैरेलल मतलब मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि यहाँ पे कोई पैरेलल में है, हुज रेंज इज टू बी एक्सटेंडेड, द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट हुज करंट इज टू बी मेजर्ड। द रेंज ऑफ ए डीसी मिलीएमीटर कैन बी एक्सटेंडेड बाय यूजिंग लो रेजिस्टेंस इन शंट, बिकॉज शंट जो होता है ये लो वैल्यू रेजिस्टेंस होता है, हैविंग मिनिमम टेम्परेचर कोफिशिएंट, एंड एमीटर की रेंज को बढ़ाने के काम, ठीक है। इतना आपको पता होना चाहिए, जैसे कि, और अगर इसमें पूछा जाए एक्सटेंशन ऑफ मिलीमीटर, मिली वोल्ट, एक्सटेंशन ऑफ वोल्ट मीटर, तो ये होगा हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज। हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज में हम वोल्ट मीटर का एक्सटेंशन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए, जो ये है ये होगा आर एस एच, शंट रेजिस्टेंस, और यहाँ पे होगा आर एम, मीटर रेजिस्टेंस, ओके। तो ये जो करंट है और ये होगा आई एस एच है, प्लस माइनस है, ये टोटल करंट है फ्लोइंग इन द सर्किट। आई एस एच है करंट थ्रू शंट रेजिस्टेंस, एंड आर एम है एमीटर रेजिस्टेंस। तो रेशियो जो होता है मैक्सिमम करंट का, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम करंट विद शंट टू द फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, टू द फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट विदाउट शंट, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम करंट विद शंट टू द फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट विदाउट शंट, उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर, मल्टीप्लाइंग फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरली एक चीज और बता दी, जो शंटेड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, दीज शंटेड इंस्ट्रूमेंट्स कैन बी यूज टू मेजर करंट्स मेनी टाइम्स ग्रेटर देन देयर नॉर्मल फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट्स। ये शंटेड इंस्ट्रूमेंट्स बहुत ज्यादा मात्रा में करंट को मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, accurate measurement of very low resistance is possible with Megger, Wheatstone bridge, Calvin's double bridge or Wegener's earthing device. The answer is Calvin's double bridge. Okay? क्योंकि resistance जो होता है of the order of 1 ohm or less than 1 ohm जो होता है, उसको हम low resistance, very low resistance की category में आता है, 1 ohm or less than 1 ohm. ठीक है? Resistances जो 1 ohm to 100 kilo ohm की category में आता है, उसको हम medium resistances बोलते हैं, ठीक है। एंड द रेजिस्टेंसेज जो 100 किलो ओम की रेजिस्टेंस रेंज में आता है, उसे हम हाई रेजिस्टेंसेज कहते हैं, ठीक है। तो एक तो जो लो रेजिस्टेंस मेजर करता है वो मीटर वोल्ट मीटर होता है, एक होता है कैल्विन्स डबल ब्रिज,
जो एक्यूरेट मेजरमेंट होती है ऑफ वेरी लो रेजिस्टेंस इज पॉसिबल विद केल्विन्स डबल ब्रिज। एक पोटेंशियोमीटर भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये कौन सा क्वेश्चन है, ये सॉरी इधर मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं हो गया। शेयरिंग ब्रिज जो होता है, शेयरिंग ब्रिज कैन बी यूज्ड टू मेजर, कैन बी यूज्ड टू मेजर क्यू फैक्टर ऑफ ए कॉइल, वेरी हाई रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस एंड इट्स पावर फैक्टर ऑफ वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस। शेयरिंग ब्रिज जो होता है इट कैन बी यूज्ड टू मेजर कैपेसिटेंस एंड इट्स पावर फैक्टर, उसको मेजर करने के काम आता है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नल बैलेंस पोटेंशियोमीट्रिक मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज टेक्निक इज नॉट कैपेबल ऑफ मेजरिंग डीसी वोल्टेज, एसी वोल्टेज, वोल्टेज विद हायर एक्यूरेसी एंड सेंसिटिविटी एज कंपेयर टू डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट और डायनेमिक एंड ट्रांजिएंट वोल्टेज चेंजेस। नल बैलेंस पोटेंशियोमीट्रिक मेजरमेंट क्या मेजर करने के काबिल नहीं है, क्या मेजर नहीं कर सकता, दैट इज डायनेमिक एंड ट्रांजिएंट वोल्टेज चेंजेस को मेजर नहीं कर सकता। बाकी डीसी को भी डीसी वोल्टेज को भी मेजर करता है, एसी को भी मेजर करता है, वोल्टेज विद हायर एक्यूरेसी और सेंसिटिविटी को भी मेजर करता है, ठीक है, याद रखना। तो एक्यूरेसी जो होती है नल टाइप इंस्ट्रूमेंट्स की, ये हायर होती है एज कंपेयर टू डिफ्लेक्शन टाइप, ठीक है। एंड नल टाइप में क्या होता है कि मेजर्ड क्वांटिटी को हमें बैलेंस करना होता है। डिफ्लेक्शन टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स का जनरली फास्टर रिस्पॉन्स आता है, जो आपकी डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं दे शो फास्टर रिस्पॉन्स, इनका फास्टर रिस्पॉन्स आता है देन नल टाइप इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। एंड पोटेंशियोमीटर जनरली क्या होता है, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज डिजाइन टू मेजर द अननोन वोल्टेज by comparing it with a known voltage or standard voltage. So, it is also used for comparing the EMF of two cells. ठीक है, इसमें high degree of accuracy भी मिलती है and it is not capable of measuring dynamic and transient voltages. ठीक है, next question है आपका, the accuracy of D arsenol movements used in common laboratory meters is about dash of the full scale reading. देखिए, ये एक standard result है actually इसका, ये आपको याद करना पड़ेगा। जो डिफ्लेक्शन होता है पॉइंटर का, द डिफ्लेक्शन डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंटर, ठीक है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इन द कॉइल। तो जो एक्यूरेसी होती है डी आर्सेनवल मूवमेंट की, जो हम कॉमन लैब में यूज करते हैं, इट इज अबाउट 1% ऑफ द फुल स्केल, ठीक है, 1% ऑफ फुल स्केल, फोर्थ इज द राइट ऑप्शन। क्योंकि जो डिफ्लेक्शन है पॉइंटर का, ये किस पे मेजर, किस पर डिपेंड करता है, करंट पे। तो एक्यूरेसी भी 1% ऑफ फुल स्केल रीडिंग होती है। तो डी आर्सेनवल मूवमेंट जो होता है इट रिस्पॉन्ड्स फॉर एवरेज वैल्यू, ये एवरेज वैल्यू के लिए रिस्पॉन्ड करता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्केल ऑफ ए रेक्टिफायर इंस्ट्रूमेंट इज लीनियर, नॉन लीनियर, आइदर लीनियर और नॉन लीनियर, नाइदर लीनियर नॉन लीनियर। द स्केल ऑफ ए रेक्टिफायर इंस्ट्रूमेंट इज लीनियर, ओके। रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं दे आर यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ एसी वोल्टेजेस एंड करंट्स बाय एम्प्लॉइंग अ रेक्टिफायर एलिमेंट। रेक्टिफायर क्या करता है कि इट कन्वर्ट्स एसी, एसी को ये डीसी में कन्वर्ट कर देता है, एक यूनिडायरेक्शनल डीसी में, एंड देन यूजिंग अ मीटर रिस्पॉन्सिव टू डीसी टू इंडिकेट द वैल्यू ऑफ रेक्टिफाइड एसी। मतलब तब ये उसी मीटर को डीसी के रिस्पॉन्स में यूज करता है, जिससे कि वो रेक्टिफाइड एसी की वैल्यू को इंडिकेट कर सके। तो द इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट इसमें कौन सा होता है, पीएमएमसी। पीएमएमसी इसमें एक इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। इसका लीनियर स्केल होता है। तो आंसर क्या होगा रेक्टिफायर का, लीनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनालॉग ट्रांसड्यूसर, स्ट्रेन गॉज, थर्मिस्टर, एलवीडीटी और ऑल ऑफ द अबव। देखिए, जो एनालॉग ट्रांसड्यूसर्स होते हैं ये क्या करते हैं, दे कन्वर्ट द इनपुट क्वांटिटी इनटू एन एनालॉग आउटपुट। ये क्या करते हैं, टू गेट एनालॉग आउटपुट, ये इनपुट क्वांटिटी को उसमें कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। विच इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ टाइम, विच इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ टाइम। अ स्ट्रेन गॉज हो गया, एलवीडीटी लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर हो गया, या थर्मोस्टर या थर्मोकपल हो गया, इनको हम क्या बोलते हैं, ये एनालॉग ट्रांसड्यूसर्स हैं, थर्मोकपल, ठीक है। As they give an output, which is a continuous function of time.
और जबकि डिजिटल ट्रांसड्यूसर्स क्या करते हैं, इनपुट क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल आउटपुट में चेंज करते हैं, विच इज इन द फॉर्म ऑफ पल्सेस एंड इट्स आउटपुट इज रिप्रेजेंटेड बाय 0 एंड 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वैम्प रेजिस्टेंस एंड कंडेंसर आर यूज्ड टू रिड्यूस द एरर व्हाइल मेजरिंग डीसी क्वांटिटीज इन अ मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, टू रिड्यूस द एरर व्हाइल मेजरिंग एसी क्वांटिटीज इन अ मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, और थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन, टू रिड्यूस द एरर व्हाइल मेजरिंग डीसी इन मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। देखिए इसमें मूविंग आयरन का जिक्र हो रहा है, मूविंग कॉइल का हो रहा है, ठीक है। स्वैम्पिंग रेजिस्टर एंड कंडेंसर आर यूज्ड टू रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी एरर इन मूविंग इंडिकेटर मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। तो इसका आंसर क्या होगा, सेकेंड ऑप्शन होगा ये, टू रिड्यूस द एरर व्हाइल मेजरिंग एसी क्वांटिटीज इन अ मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो मूविंग आयरन में क्या होता है, जो चेंज इन फ्रीक्वेंसी होती है, इसकी वजह से चेंज इन फ्रीक्वेंसी को मैं डेल्टा एफ से डिनोट कर रही हूँ, इट कॉजेज एन एरर, इसकी वजह से एक एरर जनरेट होती है ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ ईडी करंट्स, क्योंकि इसमें क्या होता है ईडी करंट्स के में चेंज हो जाता है, ठीक है। एंड सेटअप इन द मेटल पोर्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, तो इसकी वजह से रीडिंग लो हो जाती है देन द एक्चुअल वैल्यू, एंड लो फ्रीक्वेंसी पे रीडिंग रीडिंग हाई हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ मल्टीमीटर हैज फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट ऑफ 5 mA, देन इट सेंसिटिव विल बी सेंसिटिविटी वेल भी मैंने आपको बताया था, सेंसिटिविटी क्या होता है, डिफ्लेक्शन परमिट करंट फ्लोइंग इन द कॉइल, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल, फ्लोइंग थ्रू कॉइल, दिस इज योर सेंसिटिविटी, ओके। तो सेंसिटिविटी ऑफ वोल्ट मीटर किस पर डिपेंड करता है, सर्किट रेजिस्टेंस पे, इट डिपेंड्स ऑन द सर्किट रेजिस्टेंस, इट डिपेंड्स ऑन द सर्किट रेजिस्टेंस विच इज नोन एज लोडिंग इफेक्ट, विच इज नोन एज लोडिंग इफेक्ट, ठीक है। तो जो डीसी सेंसिटिविटी है आपकी, जैसे एस ऑफ डीसी है आपका यहाँ पे, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 1/IFS, ठीक है, दिस इज इक्वल टू ओम पर वोल्ट। तो IS क्या है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करें, तो यहाँ पे फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट कितनी दी है, दिस इज योर फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, ओके। तो जो आपका डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी है आपका, सेंसिटिविटी ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1/5 × 10^-3, सो दिस इज, ठीक है, तो ये हो जाएगा 200, तो आपका 200 ओम पर वोल्ट हो जाएगा। तो आपको क्वेश्चंस कैसे लगे, इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ये सारे क्वेश्चन लेटेस्ट हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। टिल देन थैंक यू।